नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में, जो चाइना में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और भारत में भी आने का शंका जताया जा रहा है। जब पूरी दुनिया 31 दिसंबर को न्यू ईयर की तैयारी कर रही थी, तब WHO को एक नए वायरस का सूचना मिला। चाइना के रुहान शहर में एक रहस्यमयी वायरस के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 300 लोग निमोनिया एवं अन्य सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। WHO का कहना है कि इस वायरस के बारे में अधिक जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। 2019 NCOV का नाम दिया गया है। इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस SARS और MERS जैसी जानलेवा वायरस की फैमिली को बिलोंग करता है। अगर आपको यदि याद हो तो SARS वायरस 2003 में चर्चा में आया था, जब उसके कारण 37 देशों में तकरीबन 800 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय नागरिकों को इस वायरस से बचाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। भारत में 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइना से आने वाले लोगों की मेडिकल टेस्ट कर रही है, जिससे इस वायरस के बारे में पता चल सके कि चाइना से ये वायरस भारत में ना आ सके। इसलिए 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चाइना से आने वाले लोगों की मेडिकल जांचें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये रही कोरोना वायरस की जानकारी। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी भारतवासियों के पास ये वीडियो और ये जानकारी पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों।